हेलो एवरीवन, कैसे हैं मिथुन राशि वाले लोग। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, जो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं ये बेस्ड हैं आपके चंद्र राशि के ऊपर। सो अगर चंद्र राशि से आपकी राशि मिथुन बनती है तभी आप ये वीडियो देखें, आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस उस पर मिल पाएगी। सो यहाँ पर मिथुन राशि वालों को मैं बताना चाहूँगी कि अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके लिए देखे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपका हेल्थ कैसी रहेगी, एनर्जीज कैसी रहेंगी, यू नो आपकी ऑल ओवर मूड एंड वाइब कैसी रहेगी। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपके जो लग्नेश हैं, बुध चंद्र राशि की बात करिए, पर चंद्र राशि के जो आपके लगन में जो राशि लॉर्ड बैठे हुए हैं वो हैं आपके बुधदेव। बुधदेव आपके जाकर स्वयं बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में। अच्छा है, शुभ है, ऊंच के माने जाएंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। सो हेल्थ वाइज नथिंग टू वरी अबाउट, हेल्थ वाइज सब कुछ बढ़िया रहेगा। सिर्फ देखिए थोड़ा सा 16 अक्टूबर के बाद में मंगल देव आपके नो लगन में आ जाएंगे, वहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, इस वजह से आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, हेडेक वगैरह रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, लगेगा ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसे हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो सकता है, बट नो नीड टू वरी, माइनर लेवल पर रहेगा, कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपके बुध इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो प्लेसमेंट आपकी सारी नेगेटिविटी को बचा लेगी। सो हेल्थ वाइज नो नीड टू वरी मच। वहीं अगर मैं बात कर लेती हूँ आपकी पढ़ाई की, एजुकेशन की कैसी रहेंगी आपका वो वाला सेक्टर, सो यहाँ पर पंचम भाव, यहाँ पर पंचम भाव पर पहली चीज़ तो केतु विराजमान है, थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वहीं 26 अक्टूबर के बाद में आपकी पढ़ाई और एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, नो नीड टू वरी, धीरे धीरे बेटरमेंट हो जाएगा। तब तक के लिए फोकस आप अपना बनाए रखिए। कहने को तो बुध आपके अच्छी प्लेसमेंट में है, यू नो, एंड वहीं आगे जाकर यू नो अपने आप में ही 18 तारीख को शुक्रदेव भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये चीज़ यू नो एक ऐसा फैक्टर देगा जहाँ पे आपकी पंचम भाव में शुक्र आने की वजह से ऑन दी 8th of October को आपका है, कहने को तो यू नो कहे जाते हैं कि शुक्रदेव प्यार मोहब्बत के सबसे मेन लॉर्ड एंड कारक माने जाते हैं, बट वहीं साथ ही साथ शुक्रदेव जो पंचम भाव में अपने ही हाउस में आएंगे तो वो हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो आपका लव रोमांस भी अच्छा हो जाएगा, लव लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में फोकस भी बढ़ेगा, एजुकेशन भी अचीव कर लोगे, क्योंकि बुध भी अच्छे बैठे हुए हैं, शुक्रदेव भी अपने आप पहुँच जाएंगे, एंड वहीं आगे जाते हुए 26th को बुधदेव पंचम भाव में आ जाएंगे। बट ऑल ओवर इट इज़ गुड, आपके बुध चाहे फोर्थ हाउस में आए चाहे फिफ्थ में आए, अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा, नो नीड टू वरी। तो आपकी लव रोमांस में भी वृद्धि होगी, अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, लव लाइफ में आगे बात बन सकती है, रिकन्सिलेशन, अच्छा लव रोमांस, और आपके मन में भी काफ़ी ज़्यादा यू नो अपने प्यार को लेकर इमोशनल होंगे, लव फीलिंग्स आएंगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो सारी चीज़ों में आपके लिए अच्छा माना जाएगा, और इच्छा पूरी होती हुई भी दिखती है आपकी लव लाइफ को लेकर। सो अगेन इट इज़ अ गुड एनर्जी रिलेटेड टू एजुकेशन, एग्जाम्स हैं कोई भी, पढ़ाई में तो जो भी आपने गोल अचीव करनी है ना, अपनी स्किल्स को जो बढ़ाना चाहते हो, अपनी एजुकेशन को डेवलप करना चाहते हो, ज़रूर करो, ये आपके लिए महीना बहुत शुभ है अक्टूबर का। लव लाइफ रिलेटेड भी हीलिंग और अच्छी एनर्जीज देखी जा रही हैं। मैरिड लाइफ की बात कर लूँ, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं मैं कहूँगी स्पेशली 16 अक्टूबर के बाद में थोड़ी बहुत अनबन बनी रह सकती है, थोड़ा बहुत हम कहते ना कि गुस्सा हो गए, लड़ाई हो गई है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि सीधा सीधा आपके 7th हाउस पे पड़ेगी आफ्टर 16th of October के बाद में, थोड़ा बहुत एनर्जीज रहेंगी। वहीं गुरु तो अपने 10th हाउस में जाकर बैठे हैं ओन साइन में, पॉजिटिविटी संभाल लेंगे, गुरु की कृपा बनी रहेगी, गुरु ग्रह की कृपा की बात कर रही हूँ मैं, कृपा बनी रहेगी, छोटी बहुत इश्यूज़ होंगे भी फिर खुद को संभाल लोगे, पार्टनर को भी समझा लोगे, खुद भी समझ जाओगे, रिश्तों को संभाल हो जाएगा, कोई भी बड़े इश्यूज़ मेरे को आते हुए नहीं दिख रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में, तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, कोई न्यू प्रॉब्लम्स आते हुए दिखती, बस छोटी मोटी अनबन रहेंगी, लेकिन ऑल ओवर मैरिड लाइफ आपकी स्ट्रॉन्ग, अच्छी, पॉजिटिव और कनेक्टिविटी अच्छी ही बनी होगी, क्योंकि वहीं पर आपके लव लाइफ के जो कारक हैं शुक्रदेव भी अपने ओन साइन में आ जाएंगे 5th हाउस में, तो प्यार मोहब्बत आपकी यू नो हर चीज़ों को बचाव कर ही लेगी, नो नीड टू वरी। तो ये आपकी बात रही आपकी लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर के मैं कहूँगी कहीं ना कहीं अगर आपकी यू नो ऐसी बातें घर में चल रही कि शादी को लेकर आगे बात करना चाहते, कोई शादी के अच्छे रिश्ते आएंगे नहीं आएंगे, उन सारी चीज़ों में भी अच्छी ब्लेसिंग्स एनर्जीज आपके लिए बनी हुई दिखती है। आगे बात कर लेते हैं आपके भाग्य में कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं आपके भाग्य के मालिक शनिदेव बैठे तो अपने
एट्थ हाउस में हुए हैं जाके, अपने से 12वें घर में बैठे हुए हैं भाग्य में, लेकिन 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनिदेव अपनी थोड़ी सी, जो अभी तक मिथुन राशि वालों को लग रहा था कि भाई काम स्लो हो रहे हैं, साढ़े सती भी है, अष्टम में भी बैठे हुए हैं, तो पता नहीं इनो काम चल तो रहे हैं, पैसा कमाएंगे, क्योंकि गुरु अपने इनो ओन साइन में बैठे हुए हैं 10th हाउस में, पैसा तो कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्लो लग रहा है, डल लग रहा है, उतनी इनो जोरों शोरों से काम नहीं हो रहा, बस कहने को चल रहा है, आगे क्यों नहीं हो रहा। तो इनके लिए पॉजिटिविटी आ जाएगी 23 अक्टूबर के बाद में, वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, काम थोड़े से आपके ऑन ट्रैक होने लग जाएंगे, नो नीड टू वरी। वहीं आगे नो, जैसे हम बात करते हैं पैसे धन को लेकर के, तो धन को लेकर के देखिए स्थिति अच्छी बनी हुई है पूरे अक्टूबर मंथ में, क्योंकि वहीं ऊंच के बुध की दृष्टि चौथे भाव से आपके 10th हाउस में पड़ रही है, अच्छी बात है। वहीं आपके गुरुदेव भी अपने ओन साइन में ही बैठे हुए हैं। देखिए थोड़ा बहुत डिले मिथुन राशि वाले फेस कर सकते हैं, दैट्स इट, या थोड़ा बहुत मैं कहूँगी अपने ही मन से थोड़ी चीज बातों को लेकर चिड़चिड़े हो सकते हैं, ये हो सकता है, बट ऑल ओवर आपका करियर स्थान भाग्य की एनर्जीज अच्छी ही मानी जाएंगी, काम बनेंगे चलेंगे। जितने भी लोग मैं कहूँगी टीचिंग लाइन में है, कम्युनिकेशन एंगल में है मिथुन राशि वाले, ज़्यादातर इसी का सेक्टर में भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए मंथ अच्छा ही माना जाएगा, आपके बोलने के तरीके से, आपकी सिखाने के तरीके से, स्पेशली मैं बता रही हूँ, बाकी तो जो भी आपका करियर हो उस करियर एस्पेक्ट से आपके लिए यू नो अक्टूबर मंथ आपके करियर को लेकर शुभ और अच्छा ही माना जाएगा, नो नीड टू वरी इन दैट एंगल। तो पैसा भी आता रहेगा, भाव पैसे का बना रहेगा, गुड एनर्जीज। तो वही है कि जो आपकी ड्यूटी काम चल रहा है उसको बड़ी शिद्दत से आप करते रहें, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सो ये थी कुछ आपके लिए एनर्जीज एंड वाइब। देखो सबसे बेस्ट चीज़ ना अक्टूबर मंथ में जो आपके लिए होने जा रही है, दो चीज़ें। देखो अक्टूबर मंथ आपके लिए अच्छा क्यों बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं ऊंच के 4th हाउस में सुख भाव में। एक और चीज़ याद रखना कि अक्टूबर मंथ में मिथुन राशि वालों को ना अपने घर गृहस्थी से काफ़ी ज़्यादा सुख मिलेगा, उन्हें शांति अपने घर में बहुत मिलेगी, उन्हें लगेगा बड़ा पीसफुल फील हो रहा है मुझे मेरे घर पे ना, अपने अपने दोस्तों से, आपके अपनों से काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट एंड कनेक्शन एंड अच्छा वक्त भी आप बिताएंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, किसी का बर्थडे, फैमिली गेट टुगेदर्स भी हो सकते हैं। सो ऑल ओवर इट्स गोना बी गुड एनर्जी। वहीं आपका करियर लाइफ भी ऑल ओवर मुझे अच्छी चलती हुई दिख रही है। लव रोमांस में शुक्रदेव इन अपने ओन साइन में आ रहे हैं 5th हाउस में, लव हाउस में, इट इज़ अ गुड एनर्जी। सो यू नो प्यार, मोहब्बत, फैमिली, करियर में ऑल ओवर मैं इस अक्टूबर मंथ को एक पॉजिटिव एनर्जी ही कहूँगी। बस थोड़ा सा काम देरी देरी से हो सकते हैं, दैट्स इट, अदरवाइज सब कुछ स्लो चलेगा लेकिन अच्छा चलेगा, सो डोंट वरी। तो ये थी आपके लिए कुछ एनर्जी मिथुन राशि वालों, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स पर, एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।